नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। आज जय भीम सेना एवं किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में मशाल जुलूस शहीद स्मारक से होते हुए अंबेडकर चौक परासिया रोड में समापन करते हुए जय भीम सेना के जिलाध्यक्ष शिवम पहाड़े ने कहा कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई है, किंतु की जो सरकार जो कि भारत देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है, युवा किसान सभी देश की जनता परेशान है। आराधना भार्गव जी ने कहा कि केंद्र सरकार निजीकरण किसानों के तीनों बिल वापस लिया जाए, संविधान लोकतंत्र की रक्षा किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से शिवम पहाड़े, आराधना भार्गव, गगन चौधरी, नईम खान, पारस बंसकार, सागर परतेती, आकाश बंसकार, सुरेंद्र पाल, शाहिद खान, योगेश श्रीवास, मनीष विश्वकर्मा, रोशन इंगले, राहुल मालवीय, पप्पू गुनेगर एवं समस्त जय भीम सेना छिंदवाड़ा संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा। सभी साथियों, सभी छिंदवाड़ा वासियों को 26 जनवरी इंडिपेंडेंट डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान, आज भारत में लोकतंत्र का निर्माण हुआ था, और जिस लोकतंत्र पे आज पूरा भारत देश की जनता, भारत देश के सभी जाति सर, सभी वर्ग और सभी समूह के लोग चलते हैं, उसका नाम है भारत का संविधान। और आज वो भारत का संविधान का लोकतंत्र खतरे में है, ये बात समझने की है। इसलिए समझने की है कि भारत का संविधान एक बार एक व्यक्ति एक विशेष के लिए खतरे में नहीं है, भारत का संविधान भारत के सभी लोगों के लिए खतरे में है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र की सरकार किसान विरोधी अध्यादेश ला करके गैर संवैधानिक असंवैधानिक बिल को जबरदस्ती पास करवाकर भारत देश के किसानों को जबरदस्ती थोपना चाहती है। जे भारत देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है, जिसका हम छिंदवाड़ा जिले बहुजन समाज, भीम सेना, इनका हम खुलकर विरोध करते हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे और जीतेंगे। एक बात और साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है, युवाएं छिंदवाड़ा जिले में प्रदेश में युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, जनता परेशान है। केंद्र की सरकार लॉकडाउन की आड़ में जो जनता के ऊपर जो बोझ, अतिरिक्त बोझ का प्रभार दे रही है, वो भी गलत है, इस बात को समझना होगा। हम सभी लोग, हम लोग को नेतागिरी करने के लिए अम्बेडकर तिरापे शाम के 7:30-8 बजे हम लोग नहीं आए। हम लोग अपनी बात को संविधान की रक्षा के लिए, अपनी बात को समाज हित, देश हित, किसान हित की बात को रखने के लिए आए हैं। हम ये बात छिंदवाड़ा जिले, प्रदेश और भारत देश की जनता की या हमारे आवाम की आवाज को उठाने के लिए आए हैं। आज छिंदवाड़ा जिले में ये कंडीशन है कि लोग झोपड़े में रहने को तैयार है, उसके बाद भी उनके पास मकान नहीं है। जिला प्रशासन, प्रदेश की सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, उनको हटाने का काम कर रही है, जय प्रदेश की सरकार और केंद्र का सरकार कर रही है। हम सभी जिले वासियों, प्रदेश वासियों और देश वासियों से एक विनम्र अनुरोध, सभी आवाम से विनम्र अनुरोध करते हैं कि प्रदेश हो, केंद्र हो या जिला प्रशासन हो, जहां कहीं भी आपकी बात को या जनहित की बात को दबाया जाता है, उस बात को आपको उठाना पड़ेगा। अगर जो कौमे, जो कौम या जो आवाम अपनी बात को, आवाज को नहीं उठाती, वो कौमे